नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज़। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज विधान परिषद के बाहर मुकेश सहनी को लेकर चल रहे सस्पेंस को साफ किया। उन्होंने कहा कि उनसे बड़े बड़े सहनी हमारी पार्टी में, वह हमारा साथ छोड़कर खुद गए थे। अब वहां जाने की क्या करेंगे, हम मुकेश सहनी को राजद में नहीं बुलाएंगे। वहीं नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीने पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें जाना ही चाहिए, लेकिन इससे बिहार का विकास संभव नहीं कर रहे। वेतन मांग को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। नीतीश सरकार महिलाओं की ही वजह से बनी है, इसलिए उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं? मैम, आज आंगनबाड़ी सेविका सड़क पर प्रदर्शन कर रही है वेतन मांग को लेकर। आंगनबाड़ी सेविका वेतन मांग तो बढ़ाना चाहिए। माइक नीचे रखो ना। महिला क्या कहते हैं कि हम रक्षक हैं, रक्षक काहे बने हुए हैं सरकार? महिला को रक्षण देने। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। डबल इंजन का सरकार है तो जेबे करेंगे, सबसे बड़ी पार्टी सरकार के दोषी है। मंत्री जो होगा वो विभाग के। कल बीजेपी के सदन में की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है बिहार की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, एक नंबर राजद। दोनों पार्टी जो है छोड़ के ले जाता है पैसा का लालच देकर पद के पास। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मैम तो मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता रहा। बाबू जी तो जवान दिए बोलने के, बड़का विकास किए पूरे बिहार में। लोग के जवान दिए, चलने के सिखाए, बोलने के सिखाए। लालू जी का देन है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। इतना बड़ा विकास कौन किया है? कौन किया है? आप बुलाइएगा, आपको याद कर रहे हैं। आप बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे, काहे बुलाएंगे? अपना मन से गए जाएंगे अपना। बड़े बड़े सहनी लो हमला पार्टी में। मैडम तबीयत कैसी है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।